पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही कारों का माइलेज और भी कम होता जा रहा है। ऐसे में कौन सी कार खरीदे, यह सवाल सभी नई कार खरीदने वालों के दिमाग में है। अगर आप भी इसी उथेड़बुन में हैं तो चिंता मत कीजिए, यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इसका उपाय है ऐसी कार जो देती है करीब 48 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज। मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट हाइब्रिड वर्जन जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसका नाम दिया है रेंज एक्सटेंडर। इस कार का माइलेज है 48.2 किलोमीटर प्रति लीटर। इस कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है जो 25.5 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। इस कार के इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है। इस कार के 3 वेरिएंट उतारे जाएंगे, इनमें पहला सीरीज हाइब्रिड, दूसरा पैरेलल हाइब्रिड और तीसरा फुल्ली इलेक्ट्रिक वर्जन होगा। इस कार में 658 घन सेंटीमीटर का 3 चैम्बर पेट्रोल इंजन लगा होगा जो 73 BHP का पावर जनरेट करेगा। पेट्रोल इंजन के साथ लिथियम आयन इलेक्ट्रिक बैटरी भी यहां मिलेगी। इस बैटरी का वजन केवल 1600 ग्राम है, जबकि फुल चार्ज होने में इसे 1.5 घंटे का समय लगता है। इसका डिजाइन और लुक रेगुलर स्विफ्ट जैसा ही है। फीचर्स में पुश बटन स्टार्ट, रिमोट कीलेस एंट्री और बेक डिस्क ब्रेक आदि को शामिल किया जा सकता है। वहीं इसका वजन रेगुलर स्विफ्ट से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों पर फेम इंडिया, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के तहत सब्सिडी दे रही है। टू व्हीलर्स पर यह सब्सिडी 29,000 रुपए तक और कारों पर 1.38 लाख रुपए तक है। इस समय देश में महिंद्रा इकलौती कंपनी है जो फुल्ली इलेक्ट्रिक कारों के साथ मौजूद है। उसकी E2O व e-Verito बिक्री के लिए उपलब्ध है। टोयोटा अपनी लग्जरी हाइब्रिड सेडान कैमरी और प्रियस के साथ आने की तैयारी में है। वहीं टाटा भी अपनी e-Nano पर काम कर रही है। ऐसे में स्विफ्ट हाइब्रिड को लाना मारुति के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है।